वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जानेंगे कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपकी मार्कशीट पे क्या लिखा रहेगा, क्या आपकी मार्कशीट पे उस एफिलिएटेड कॉलेज का नाम लिखा रहेगा जहां से आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या वहां पर आपके मेन कैंपस का नाम लिखा रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों को, तो मैं आज बता दूँ कि आप किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से कर लीजिए, प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज से भी कर लीजिए, लेकिन अगर जो मेन यूनिवर्सिटी है उसकी, उसी का नाम आपके जो मार्कशीट है वहाँ पे लिखा रहेगा। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में आते हैं, तो वहाँ पे हमेशा लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही नाम लिखा रहता है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ही वहाँ पे लिखा रहता है। ऐसे ही आप BHU के एफिलिएटेड कॉलेज से करेंगे तो वहाँ पे आपकी मार्कशीट पे BHU ही लिखा रहेगा, उस एफिलेटेड कॉलेज का नाम नहीं लिखा रहेगा। तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कह सकते हैं मार्कशीट में सेम ट्रीटमेंट ही मिलता है एफिलेटेड कॉलेज से जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो मेन कैंपस से कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।